पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में केंद्र सरकार काफी गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में सख्त कार्रवाई करने वाली है, जिसको लेकर बिना देर किए ही गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के बाद देश के लोग काफी चिंतित हैं। वहीं कांग्रेस और चन्नी सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक हुई है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह सख्त एक्शन लेने के मूड में है। गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को नोटिस जारी किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में चट्टोपाध्याय को कहा गया है कि उनके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, क्यों उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। उन्हें जवाब देने के लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। डीजीपी के अलावा फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस और बठिंडा के एसएसपी अजय मलूजा को भी नोटिस जारी हुआ है। खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने राज्य के पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय सहित 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को फिरोजपुर में तलब किया है। गृह मंत्रालय ने जिस तरह से नोटिस भेजकर पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा है, उससे चन्नी सरकार की भी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि केंद्र अब कार्रवाई करने के मूड में है। वहीं चन्नी लगातार अपनी सरकार और अपने अधिकारियों के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले में जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में कांग्रेस 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने की ओर बढ़ रही है। बीते दिनों ही केंद्र ने अपनी एक जांच टीम पंजाब भेज दी थी। केंद्रीय जांच टीम की तरफ से एयरपोर्ट से लेकर पीएम का काफिला जहां रुका था, वहां और फिर हुसैनावाला स्मारक का दौरा किया गया, जिसके बाद वो टीम बीएसएफ कैंप गई, जहां केंद्रीय टीम द्वारा 13 पुलिस अफसरों को तलब कर पूछताछ की गई। और अब गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब के डीजीपी के अलावा फिरोजपुर के एसएसपी और बठिंडा के एसएसपी को नोटिस भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदद के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के आईजी संतोष रस्तोगी को नियुक्त कर दिया गया है, जो पीएम विजिट से हर जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लेंगे। ऐसे में साफ है कि केंद्रीय टीम अब मामले में जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अब उन लोगों की खैर नहीं है जिन्होंने पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।